हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बनाएंगे स्टेट स्पेशल रेसिपी। तो बनाने वाले हैं बिहार के स्पेशल बैगन आलू टमाटर का चोखा और सत्तू के पराठे। बैगन आलू टमाटर का चोखा थोड़ा अलग स्टाइल से बनाएंगे, अलग ट्विस्ट से बनाएंगे, और लिट्टी की जगह बनाने वाले हैं हम लोग सत्तू के पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख करके बनाइएगा तो आपके लिए भी बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे सत्तू के पराठे और बैगन का चोखा। तो सबसे पहले बैगन को अच्छे से धुल लेना है और बैगन को काटेंगे। नॉर्मली जब बैगन का चोखा बनाते हैं तो उसको गैस पे भूनते हैं, पर इन दिनों हमें गैस सिलेंडर को भी बचाना है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे टाइम में हम बैगन का चोखा बनाएंगे उबाल करके। बिल्कुल टेस्ट वैसा ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा, बस गैस कम लगेगा और समय कम लगेगा। तो बैगन को छिलके सहित काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। इससे पहले भी मैंने सत्तू के पराठे और बैगन के चोखे की रेसिपी शेयर की हुई है, वो थोड़ा अलग तरह से बना हुआ, आप चाहें तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया, मुझे यहाँ पे बनाना है 4 लोगों के लिए बैगन आलू टमाटर के चोखा और सत्तू का पराठा। तो मैंने यहाँ लिया 2 बैगन, 2 आलू, 2 टमाटर, सबको काट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। बिना पानी डाले इसे बॉईल करना है, इसलिए इसमें मैंने नमक डाला और सरसों का तेल। नमक से बैगन और टमाटर जो है वो पानी छोड़ देंगे और सरसों का तेल जो है उसको बेस देगा, तो इसमें कुकर में सीटी लग जाएगी। तो 1 सीटी लगाना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि बैगन जो है वो कुकर में चिपके नहीं। तो कुकर चढ़ा दिया, तब तक आगे का प्रोसेस हम लोग दूसरा चीजें कर लेते हैं। तो यहाँ पे सत्तू लिया है मैंने, सत्तू ये 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से बनते हैं 2 पराठे, तो आपको जितने पराठे बनाने हो उस हिसाब से उतने चम्मच सत्तू ले लीजिए। मुझे 4 लोगों के लिए बनाना है तो मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 चम्मच जो है वो सत्तू लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया 1/2 से 1/4 चम्मच नमक। नमक थोड़ा सा डालेंगे ज़्यादा, इसलिए क्योंकि ये आटे के साथ बेलेगा तो इसमें आटे में नमक नहीं होगा, तो इसमें नमक रहता है तो पराठे में नमक कम नहीं लगता। अब मैंने डाल दिया धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 6 से 7 कलियां लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का कूट करके डाल दिया, 1 प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ डाल दिया। ये कॉमन चीज़ें हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती, जितना आपको पसंद हो उतना ऐड करिए। अब इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप मंगरेल भी मिला सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने इसमें अजवाइन मिक्स किया क्योंकि अजवाइन जो है वो सत्तू के पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ाता है। अब यहाँ पे आपके पास जिस भी चीज़ का अचार हो उस अचार को अच्छे से टुकड़ों में तोड़ के इसमें मैश करना है। मैंने यहाँ आम और अमड़े का अचार लिया, आपके पास अगर मिर्ची का अचार हो, आम का अचार हो, जो भी अचार हो आप इसमें मिक्स करिए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी मैं अचार बनाती हूँ तो तेल थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ और उस तेल को अलग करके एक शीशी में पैक करके रख लेती हूँ, और जब भी कोई चोखा, सरसों का ये पराठा, कोई भी चीज़ बनाना हो तो इस तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1.5 चम्मच अचार वाला तेल। आपके घर में जो भी अचार होगा उसका तेल निकाल के 1.5 चम्मच तेल डालना है, इससे ये सत्तू जो है ना बड़े चटपटे बनते हैं और बहुत ही अच्छा सत्तू पराठा बनता है। अगर आप पराठा नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसको लिट्टी की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सत्तू का पराठा। अब इसमें मैं मिला रही हूँ पानी। पानी क्यों मिलाते हैं? पानी मिलाने से जब आप सत्तू का पराठा बेलते हैं भर के, आप कितना भी ज़्यादा सत्तू भर लीजिए 1 से 1.25 चम्मच, तो भी पराठे फटेंगे नहीं। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी पानी डालने के क्या फ़ायदे होते हैं। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है सत्तू को। आप अभी तक मेरी वीडियो और ये रेसिपी देख रहे हो, लाइक बटन दबाना भूल गए हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको पसंद है कि नहीं सत्तू के पराठे और चोखे, और आप बना करके उसकी फ़ोटो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेजिएगा कैसी बनी आपके सत्तू के पराठे और बैंगन के चोखे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज से अपडेट होना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। तो इस तरह से सत्तू जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के उसका मेन जो मिक्सचर है वो तैयार कर लिया। अब नॉर्मल जो रोटी के लिए आटे सानते हैं उसको आटा सान लिया है। अब मैं आपको जब तक कि उधर बैगन टमाटर आलू उबल रहे हैं हम लोग पराठे बना लेते हैं। तो पराठे भरने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 1 लोई बनाना है, लोई को थोड़ा सा छोटा पूड़ी के साइज का बेल लेना है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सत्तू का, इस तरह से इसको सत्तू का जो हम देख आप देख सकते हैं पानी डालने के बावजूद ये बिल्कुल ड्राई है,
क्योंकि सत्तू पानी को सोख लेता है। लेकिन उस थोड़े से पानी से आपको कितना आसान तरीके से आप इसको बेल पाइएगा, आप ये देखिएगा। तो इसको अच्छे से फोल्ड करके लोई को बंद कर दिया है और इसको आप बेल लेंगे। आप इसको कितना भी पतला बेल सकते हैं, सत्तू के पराठे का सत्तू बिल्कुल भी फटेगा नहीं। मैं बिल्कुल पतले पतले पराठे बनाती हूँ। जो लोग पहली बार कुकिंग कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं ये रेसिपीज स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ, ताकि वो देख करके स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपीज को बना सके। स्पेशली जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और रोज एक ही चीज़ खा करके बोर हो गए हैं, तो उनके लिए ये खास कर है। तो प्लीज़ अगर वो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, पराठे बिल गए हैं, तवा मैंने चढ़ा दिया है, फ्लेम को मीडियम कर दिया है, क्योंकि तेज आंच पे पराठे बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो मीडियम फ्लेम पे ही हमेशा पराठों को बनाया करिए। आप देखिए मैंने कितना पतला बेला। अब पराठे को तवा पे डालना है, फ्लेम को मीडियम ही रहने देना। जब पराठे एक साइड थोड़ा सा हो जाएंगे, ब्राउनिश हो जाएंगे, तो इसको चिमटे से पलट देंगे और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करिएगा। तो पराठे को पलट के इसमें रिफाइंड ऑयल लगाइएगा। उधर बैंगन, टमाटर और आलू हमने बॉयल होने चढ़ा दिए हैं। जब भी कुकिंग करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि समय कम लगे। इसके लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स को ध्यान में रखिए, ताकि दोनों चीज़ें साथ में बन जाए और समय भी बच जाए। और जो हम खाते हैं उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि सत्तू गर्मियों में बहुत खाते हैं, क्योंकि सत्तू का तासीर जो होता है वो ठंडा होता है और पेट में जलन जिन लोगों को होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है सत्तू। तो अब इसमें रिफाइंड ऑयल लगा दिया। अब एक तरफ रिफाइंड ऑयल लगा के इसको पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ भी रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे। पराठे बहुत अच्छे फूल के तैयार होंगे। तो आपको जितने पराठे बनाने हैं, जब तक कि बैगन, आलू, टमाटर बॉयल हो रहा है और कुकर ठंडा होगा, तब तक आपके पराठे तैयार हो जाएंगे। तो पराठों को तैयार कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग बैगन, आलू, टमाटर का चोखा बनाएंगे। बैगन, आलू, टमाटर के चोखे के लिए मैं आपको बता दूँ, वही सारी चीज़ें लगेंगी जो हमने सत्तू के मसाले में ऐड किया है, सारे वही सामग्री लगने वाली है। प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती और नींबू। देखिए पराठे कितने अच्छे फूल गए हैं। देख के ही आपको लग रहा होगा कि वो ट्रिक कितने काम की है, कि हल्का सा पानी डालने से पराठे इतने अच्छे फूल के तैयार हो गए। तो चलिए, पराठा तैयार हो गया है, बैगन आलू भी उबल गए हैं, कुकर भी ठंडा हो गया है। अब आगे की चीज़ मैं आपको बताती हूँ, चोखा बनाने की चीज़ ट्रिक। तैयारी कर ली है हमने, प्याज काट लिया है, लहसुन अदरक कूट लिया है, धनिया पत्ती काट लिया है। तो ये देखिए कुकर ठंडा हो गया है, ये बॉयल हो गया है बिना पानी का, क्योंकि टमाटर ने पानी छोड़ा, बैगन ने पानी छोड़ा। अब इसको कलछुल से अच्छे से मैश कर लीजिए, जैसे पाव भाजी बनाते हैं ना तो सब्जियों को मैश करते हैं, उस तरह से इसको सब्जियों को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है आपको। और उसके बाद इसको किसी बर्तन में खाली कर देना है। इसको किसी बर्तन में खाली करके 5 मिनट बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें सारी सामग्री मिलाएंगे, क्योंकि गरम गरम में मिलाने में प्याज थोड़ा सा महक जाता है। तो थोड़ा सा 5 मिनट रुक करके आपको इसमें सारी सामग्री मिलानी है। आप देखिए कितने अच्छे से बैगन, आलू और टमाटर मैश हो गया है, गैस की भी बचत हो गई है। अब ये 5 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे से मैश करके रख लिया। अब मैंने इसमें एक प्याज बारीक कटा हुआ तैयार किया है, 7 से 8 कलियां लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक का और धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्ची बारीक कूट करके, नमक डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी उबलते समय हमने इसमें नमक डाल दिया है, इसलिए थोड़ा सा नमक डाला है। धनिया पत्ती डाल दी, अब इसमें प्याज डाल दिया, ये पूरा एक प्याज है बारीक कटा हुआ, फिर लहसुन अदरक, और इसके बाद डालेंगे मिर्ची। कूट के डालने का क्या फ़ायदा होता है कि अगर बच्चे भी खा रहे हैं और उनके दांत के नीचे हरी मिर्ची नहीं आती है, इसलिए जब भी हरी मिर्ची का इस्तेमाल करती हूँ मैं, तो उसको बहुत अच्छे से कूट के इस्तेमाल करती हूँ, ताकि फ्लेवर भी आ जाए और दांत के नीचे आए तो टेस्ट भी लोगों का, बच्चों का स्पेशली, ख़राब ना हो। अब इसमें आधा नींबू गाड़ देंगे, क्योंकि चोखा या भरता थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है, इसलिए आधा नींबू गाड़ देंगे। और अब मेरी वही ट्रिक, चोखे में जो तेल है, अचार वाला तेल जो इसको चटपटा बनाएगा, वो इसमें मिलाएंगे। तो 1 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के तेल अचार का। अगर आपके पास अचार का तेल इतना अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सरसों का तेल का इस्तेमाल कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो बैगन, आलू, टमाटर का भरता भी तैयार हो गया, सत्तू के पराठे भी तैयार हो गए। और वीडियो अभी तक देख रहे हैं, लाइक कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। आपके लाइक और कमेंट से हमें अप्रिशिएशन मिलती है और वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करने के में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूला करिए।
तो ये होगा गरम गरम सरसों के ये सत्तू के पराठे और बैंगन आलू टमाटर का चोखा तैयार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करिए, आपको ढेर सारी रेसिपीज मिल जाएगी जो आप रोज बना सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप देख करके बना सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, आपको बहुत सारी